बहरहाल वो अचानक इन्होंने हमारे लोग घबराए और हमने 8th जो डिवीजन थी आर्मर्ड जो मुल्तान में होता है उसको मूव किया बॉर्डर की तरफ, उस पर इंडियंस के औसान खता हो गए, पर ये तो पाकिस्तान अगर उन्होंने आ गए तो ये तो दे एंटर पंजाब, वी हैव नो फोर्सेस टू डिफेंड। उसी जमाने में राजीव गांधी को पता चला, उसके ही डिड नो अबाउट दिस एक्सरसाइज, तो ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही इमीडिएटली आस्क्ड कि खत्म करवाओ ये एक्सरसाइज। जब पहली दफा मैं इंडिया में पोस्टेड था तो हम इंडिया इंडियंस के ऊपर हंसा करते थे और मजाक उनका उड़ाया करते थे कि देखो हमारी करेंसी वाज स्ट्रॉन्गर देन इंडियन करेंसी, आवर पर कैपिटा इनकम वाज हायर देन इंडियाज पर कैपिटा इनकम, आवर मार्केट्स एंड शॉप्स एंड आर फार फाइनर। इंडिया का तो लगता था आप किसी कमजोर सोशलिस्ट कंट्री में आ गए, बल्कि वहाँ पे पहली दफा जब मैं पोस्टेड था वहाँ पे तो हम अपने टूथपेस्ट टूथब्रश और ये जो है बिस्किट्स वगैरह ये बच्चों के लिए चीज़ें पाकिस्तान से खरीद के जाया करते, बल्कि जब नया नया ही मैं पहुंचा था तो जहाँ टेम्पररी फ्लैट्स में हम रह रहे थे तो आई वेंट अक्रॉस टू ए वीडियो शॉप कि मैंने कहा कि तो मैंने ऐसी पतलून कमीज पहनी हुई थी तो उर्दू में उससे बात की कि भैया एक अच्छी सी हिंदी फिल्म देना, इंडियन मैंने कहा फिल्म देखी जाए कोई, तो वो मुझे देख के कहने लगा, सो ही थॉट आई एम प्रॉब्ली कश्मीरी और सम बॉडी लोकल, तो कहने के साहब अगर कोई अच्छी चीज़ देखती है तो ये पाकिस्तानी ड्रामे देखी है, ये हमारी फिल्में तो फजूल है। तो मैंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, ये ड्रामे मैंने देखे हुए, बड़े अरसे से हिंदी फिल्म नहीं देखी। उतर दर्जी जिसके पास मेरी वाइफ गई वो कहता था कि जी सारी जो लेडीज आती हैं वो कहते हैं वो तन्हाई में फलाने ने जो बैठा हुआ था उस मॉडल का हमें पता है, फलाने में बैठा हुआ था टेलीविजन उनका बिल्कुल तप्पड़ और बेकार था। आई मीन वी यूज टू हैव अ सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी over the Indians. अच्छा मेरे पास थी एक डैटसन स्टेशन वैगन टाइप की जो मैंने ऑस्ट्रिया में खरीदी थी और ऑस्ट्रिया से पोर्चुगल ले गया था, पोर्चुगल से दिल्ली ले आया था, और वो गलत हैंड वाली ड्राइव भी थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे वो सिर्फ वो खटारा उनकी जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी V8 और एम्बेसडर, नई नई ये सुजुकी मारुति आई थी, ये FX80 जिसे हमने यहाँ पे दी, वो लोग ऐसे दलदना के फिरते थे जैसे पता नहीं क्या गाड़ी उनके पास आ गई। बाकी सब एंड माई कार यूज टू बी पीपल यूज टू एडमायर बाई दैट बीटन ओल्ड 6-year-old डैटसन को देखा करते थे, कहीं कहीं मर्सिडीज नजर आती थी। सेकेंड टाइम व्हेन आई वेंट देयर एज एम्बेसडर आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज द प्लेस, द होल इंडिया हैड चेंज्ड कंप्लीटली, देयर standard of living, the shops the way they were, the all the imported goods that were available, the business community and the kind of parties they used to. At one time I used to say that the Indians look forward to be invited to a diplomat's house. Aur the second time jab main high commissioner gaya tha maine kaha I best the diplomats look forward to be invited to an Indian's house. The standard of living had changed completely. मियाँ नवाज शरीफ नए नए वजीर आला बने थे पंजाब के, तो उन्होंने फैसला किया कि अजमेर शरीफ जाना है प्राइवेट विजिट पे, ये दोनों अपना जहाज लेके पहुंच गए दिल्ली। अच्छा जब पहुंचे तो अगेन द इंडियन गवर्नमेंट सेड के प्राइवेट और नो प्राइवेट विजिट दे विल बी आवर गेस्ट्स, और सबसे अच्छा जो होटल था उसके अंदर उन्होंने स्वीट्स नहीं दिल्ली में उसमें स्वीट्स दे दिए। अम्बेसडर ने मुझे कहा कि सिंस गवर्नर इज सीनियर टू द चीफ मिनिस्टर तो मैं गवर्नर के साथ अटैच हो जाऊंगा, तुम चीफ मिनिस्टर के साथ अटैच हो जाना, लुक आफ्टर हिम। तो नवाज शरीफ साहब के साथ मैं अटैच हो गया, उनको लेके उनके कमरे वमरे में सेट करा दिए। इसके बाद दूसरे दिन सवेरे इन्होंने जाना था जयपुर और जयपुर से अजमेर और फिर वापस अजमेर और अजमेर से फिर जयपुर आके रात जयपुर में गुजार के दूसरे दिन वापस आना था। तो क्योंकि जयपुर में फिर उनके चीफ मिनिस्टर ने इनके लिए दावत की हुई थी, नवाज शरीफ साहब के लिए और गवर्नर साहब के लिए की हुई थी दावत, अलग अलग दोनों के गेस्ट थे। तो जब जाए नवाज शरीफ साहब कहने लगे यार मैंने तो कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है दिल्ली में मेरे दोस्त उनके साथ तो मैं तो नहीं ठहर सकता। मैंने कहा सर वो चीफ मिनिस्टर ने कहता मैं की करना चीफ मिनिस्टर ना राजस्थान दे छो तुम कुछ करो। मैंने कहा कि जी बहुत इट्स ए लॉन्ग ड्राइव टू अजमेर
तो आप जाके शाम तक, अभी तो पहुंचेंगे आप, जब तक पहुंचेंगे और वो सारा आपका ज्यारत होगी और सब कुछ, उसके बाद यू कांट, इट्स इट बी डेंजरस ड्राइविंग ऑल द वे, सात एक घंटे की ड्राइव है, तो कहने लगे कुछ कुछ करो। तो उसी जमाने में ये जो खालिस्तान और इस तरह के टेररिज्म के हमारे बड़े चार्जेस वगैरह होते रहते थे, तो उसमें जो उनकी BSF जो है, विच इज ए मच लार्जर बॉडी देन आवर रेंजर्स, तो उनके BHF BSF के जो हेड थे, उनके साथ मेरी काफी अच्छी इक्वेशन हो गई थी, गपशप हो गई थी, एंड यूज टू टॉक टू ईच अदर वेरी फ्रेंकली। तो बहरहाल, तो मैंने अपने कॉलीग से जो फॉरेन ऑफिस में था, मैंने कहा यार गेट इन टच विद हिम, वो मेरी तरफ से कहने लगे आपके पास 5 जहाज, उसके उनके पास अपने यूज केस जहाज, तो मैंने कहा एक जहाज मुझे इनायत कर दे कि चीफ मिनिस्टर साहब को लेके और शाम को आ जाए। उसने कहा ठीक है भिजवा दिया, उसने हमने जहाज भिजवा दिया नवाज शरीफ को उठा के लिया। वो उसी जमाने में, हाँ, ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स ऑल्सो हैपेंड इन दोज डेज, बड़ा गलगला मच गया ब्रास टैक्स का। जनरल सुंदर जी जो था वॉज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ अ जनरल, और वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को किसी और मॉडर्नाइज करना चाहता था, और ये वो, तो उसने एक ह्यूज लार्ज स्केल एक्सरसाइज लॉन्च की थी, और जिसके ऊपर के उसका था कि एंड विथ लाइव एमुनिशन एंड सो ऑन, और जो हमारा प्रोटोकॉल था कि 50 किलोमीटर से दूर होगी जो भी एक्सरसाइज होगी बॉर्डर से, तो ही हैड फॉलोड दैट प्रोटोकॉल, ही वाज 67 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर। लेकिन हमारे यहाँ खलबली मच गई कि ये तो वो रमजान वॉर वाली टैक्टिक कर रहा है जिस तरह इजिप्शियंस ने की थी इसराइलीज के साथ, और ये एक्सरसाइज के बहाने अचानक अटैक करेगा। अच्छा, आई वॉज quite sure that this is just an exercise and nothing more than that. Dr. Humayun Khan sahab bade fikrmand ho gaye, messages aa rahe hain ja rahe hain, unhone kaha ji ek compound pe sara clerical staff rehta tha, unhone kaha ki ji ek mahine ka stock jama karo food stuffs ka, so ke jo gadbad hogi to wo maine jama, I was head of chancery also and head of mission, to ye sab kuch unhone kaha ki tumhari zimmedari hai। तो आई मैंने कहा कि सर कोई अटैक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने कहा यू आर बीइंग कंप्लेसेंट, गो अहेड। तो हमने जमा कर दिया स्टॉक, फिर लिस्ट ड्रॉ करो कि कौन जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है और सारी फैमिलीज को किस 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 मौके पे जाके हम यहाँ से कहेंगे कि वापस चले जाओ। सो वहाँ जो डिफेंस अटैचे थे वो थे, उनके साथ मेरी बड़ी इक्वेशन थी और बड़ी गप चलती थी, तो वो मुझसे कहने के सब मिशन में कहते हैं, कहने के बात कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज नहीं है, ये धोखा कर रहे हैं। He says, I am also fully sure कि ये एक्सरसाइज है, नथिंग कर रहे हैं, आई सपोर्ट यू। बहरहाल, वो अचानक इन्होंने हमारे लोग घबराए, और हमने 8th जो डिवीजन थी आर्मर्ड जो मुल्तान में होता है उसको मूव किया बॉर्डर की तरफ, उस पर इंडियंस के औसान खता हो गए कि ये तो पाकिस्तान, अगर उन्होंने आ गए तो ये तो दे ले एंटर पंजाब, वी हैव नो फोर्सेस टू डिफेंड। उसी जमाने में राजीव गांधी को पता चला, उसके ही डिड नो अबाउट दिस एक्सरसाइज, तो ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही इमीडिएटली आस्क्ड कि खत्म करवाओ ये एक्सरसाइज। उसी जमाने में जो हुआ हुई और इस तरह की मूव शुरू हुई, तो फिर फैसला हुआ कि बातचीत होनी चाहिए, तो सत्तार साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे वो टॉक्स के लिए आए इंडिया, और फिर बातचीत हुई और फैसला हुआ कि इस तरह तो the exercise will be called off immediately and everything is okay, and फिर एक विजिट का वो एक ड्राफ्ट, वो भी डिक्लेरेशन भी या जो स्टेटमेंट भी बनना था, तो उन्होंने जो पहला ड्राफ्ट दिया उसमें लिखा हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान विल नॉट गो टू वॉर स्टॉप, इसके बाद बाकी जो कुछ डिटेल्स थी। तो मैंने ड्राफ्ट देखा तो सत्तार साहब से मैंने कहा कि सर इसमें बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है आप इसको फॉरन एक्सेप्ट कर, बिकॉज दिस इज ए नो वॉर पैक्ट जिसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं, इंडियन नहीं मान रहे हैं, हम चाहते हैं कि नो वॉर पैक्ट हो, इसमें लिखा हुआ इंडियन पाकिस्तान विल नॉट गो टू वॉर, पीरियड, हो गया, दिस इज नो वॉर पैक्ट। मैंने कहा जी शाम को मीटिंग है हमारी, आप उनको कहिए यस एक्सेप्टेड कंप्लीट। बड़े एंटीसिपेशन के साथ हम गए शाम को, उन्होंने कहा जी हम सॉरी थोड़ी सी एरर्स थी, हमने नया ड्राफ्ट लिया, वो सेंटेंस हटा दिया था उसमें, then we sat and negotiated, but that was a different thing. So wo brass tacks was we said tay ho gaya. So SAARC summit jab hui to Benazir prime minister the, to usme bhi Rajiv Gandhi tashreef laye the, to balki Rajiv Gandhi ko
मीटिंग भी की, बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी बेनज़ीर के साथ, बल्कि बायलैटरल उसमें बेनज़ीर ने ज़ियाउल पर इसको राजीव गांधी को इतना एकोमोडेट करने की कोशिश की आउट ऑफ गुडनेस के प्रोटोकॉल ये है कि सीक्वेंस में अल्फाबेटिक ऑर्डर में उन्हें हेड्स ऑफ डेलीगेशन होते हैं वो आते हैं और उसी ऑर्डर में वापस जाते हैं, यू गो टू द आधे आधे घंटे की तवक्कुफ से एंड यू कीप सी देम ऑफ एट द एयरपोर्ट। तो बेनज़ीर ने मैंने कहा कि अगर कहते जी वो तो कहने के लिए गुलाम इसहाक़ खान प्रेसिडेंट है वो कर लेंगे, मैं राजीव के साथ टॉक्स रखी हुई तो वो टॉक्स बड़ी छोटी सी थी, आई मीन आई थिंक जब वो थे फॉरेन सेक्रेटरी थे वो थे एम्बेसडर जो थे हमारे नायक साहब एम्बेसडर थे उस जमाने में दिल्ली में, माई सेल्फ एंड अनदर ऑफिसर, दैट वाज ऑल। तो वो टॉक्स वॉक्स बड़ी अच्छी हो गई, बड़े अच्छे माहौल में हो गई। उस बेनज़ीर ने उनके लिए बैंक्वेट भी किया था, तो बैंक्वेट में हम बैठे थे एक दायरे कोने के अंदर, छोटा बहुत बड़ा भी नहीं था, 50-60 लोग थे मेरा ख्याल। तो उधर राजीव और ये तो मैडम नूरजहां भी आई हुई थी, तो राजीव गांधी जो कुछ बीच तकरीरें वकरीरें हो गई, उसके बाद राजीव गांधी ने मैडम नूरजहां से कहा कि आपका गाना सुनूंगा गाने के बगैर, कहते कि ना साजिंदे हैं ना मैं, मैं तो आपकी दावत के लिए आई हूँ, डिनर के लिए आई हूँ, साजिंदे भी नहीं है। कहने के साजिंदे हो या ना, आई वॉन्ट लीव इफ यू डोंट से। तो शी गॉट अप और फिर उसने बगैर साजिंदों के मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवांग गाया, एंड ब्यूटिफुली शी सांग इट, रियली वन वॉज रियली अमेज्ड एट द रेंज ऑफ हर वॉइस एंड सो ऑन। जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी और उसमें था कि मनमोहन सिंह डिनर भी होस्ट करेंगे, पर उनकी तरफ से मैसेज आया, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने बुला के कहा के थे कि डिनर होगा एंड इट विल बी एन ऑफिशियल डिनर, लेकिन देर विल बी नो स्पीचेस एक्सेप्ट जस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच एंड नथिंग मोर देन दैट। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब से कह दिया, उन्होंने कहा कि जी देर विल बी नो स्पीचेस, तो कहना कि नहीं अगर एक दो लफ्ज बोल रहे हो तो मैं खुद ही बोल दूँगा, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। वो होटल में थी एक वो डिनर जो था, काफ़ी लोग बुलाए थे उन्होंने मनमोहन सिंह ने, तो एक मेन टेबल थी लंबी जिसमें वो मिनिस्टर्स वगैरह और वो बैठे हुए थे, सात गोल गोल टेबलें थी, एक पे मैं और रियाज मोहम्मद खान हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी और एक दो और लोग बैठे थे। अच्छा, जैसे ही डिनर शुरू होने से पहले सडनली वो छोटा सा पोडियम जो होता है ना वो मेज़ पे ला के रखा गया, एंड मनमोहन सिंह फ्लिप्ड आउट ए फ्यू पेजेस, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी को देखा, मैंने कहा श्याम यू हैड टोल्ड मी नो स्पीचेस, कहता है बाय गॉड वी वर टोल्ड देयर बी नो स्पीचेस एंड वी डोंट इवन नो अबाउट दिस के व्हाट व्हाट हु हैज रिटन इट एंड व्हेन हैज इट हैपेंड। अच्छा, अब मैंने सब आके फाड़ फाड़ के मैंने रियाज को ऐसे किसो कुसर करके मैंने कहा कि जाके मेरे वापसी के ऑर्डर्स तैयार करो, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ हियर बिकॉज। अच्छा, आई कुड सी दैट प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कोई ऐसे पेपर का नैपकिन वहाँ से पकड़ा और पेन से कुछ स्क्रिप्ट, और इसने मनमोहन सिंह ने कोई 5-10 मिनट की तकरीर के ही सफ़े पूरी फॉरन पॉलिसी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ये वो दबा के उन्होंने तकरीर की। इसके मेरे साथ बैठा हुआ था एक और हमारी टेबल पे बैठा हुआ था एक इंडियन जर्नलिस्ट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट ही वाज अ वेरी स्नूटी काइंड ऑफ यू नो वन ऑफ दोज हु इज इनवाइटिंग टू एवरी ऑफिशियल डिनर एंड सो ऑन। और साथ मेरी वाइफ के साथ बैठी हुई थी, ये जो है थीम हिंदुस्तान टाइम्स की ओनर एंड चीफ एडिटर, शी वॉज दी ओनर एंड चीफ एडिटर बैठी हुई थी। अच्छा, और जब ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ खड़े हुए और खड़े होकर और एक्सटेम्पोरे उन्होंने इतनी आई टेल यू इतनी ज़बरदस्त तकरीर की है कि आई वॉज टोटली अमेज्ड। इन फैक्ट दिस फेलो उससे कहने लगे, जर्नलिस्ट जो था ये यूज टू राइट ऑपेड्स फॉर एंड ऑलवेज वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान एंड, और सब उससे कहना कहना कि लुक आई गेट इन्वाइटेड टू एवरी ऑफिशियल बैंक्वेट, I have never heard anybody speak as well as President Musharraf has done. इसी तरह वो हिंदुस्तान टाइम्स की जो ओनर थी वो मेरी वाइफ से कहने की लुक आई एम इन्वाइटेड टू एवरी डिनर बट दिस काइंड दिस वॉज स्टार परफॉर्मेंस, वी हैव नेवर हर्ड अ स्पीच एज गुड एज दिस, एब्सोल्यूट व्हिच एक्चुअली वॉज अ वेरी गुड स्पीच।